हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अर्चना क्लासेस। इसमें हम नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम सीखेंगे कि हम फैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हम कोई भी नंबर कंसिडर कर लेते हैं। हमने नंबर लिया है 60। हम 60 के बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स। किस तरह से 60 सबसे पहले किससे डिवाइड होता है? वन को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वन एक ऐसा नंबर है जो सब नंबर से ही डिवाइड हो जाता है। टू, टू से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 30। अब 30 अगेन टू से डिवाइड हो सकता है, हमें मिलेगा क्वेश्चन 15। 15 टू से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे, दैट इज 3। 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 5 क्वेश्चन हमें मिला 1। 1 क्या होता है? सभी नंबर्स का फैक्टर 1 होता है, इसलिए हम 1 कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिला? हमने फैक्टर निकाले 60 के, क्या फैक्टर हमें मिले? 2, 2, 3, 5। ठीक है, तो 60 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 3 × 5। अब ये इसके 60 के जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2, 2, 3, 5 नहीं हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे इन नंबर्स को कंसिडर करके हम देख सकते हैं, 2 इसका फैक्टर होता है, 2 × 2 की सिर्फ मल्टीप्लाई की जाए 4 इसका फैक्टर होगा, 2 और 3 की मल्टीप्लाई की जाए 6, 6 भी इसका फैक्टर है, सिर्फ 5 को लिया जाए 5 इसका फैक्टर है, सिर्फ 3 को लिया जाए 3 इसका फैक्टर है, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करें 15 भी इसका फैक्टर है, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करें 10 भी इसका फैक्टर है, 20 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह 2 × 2 = 4, 3 = 12 भी इसका फैक्टर है। इस तरह 60 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वो सब फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी एक नंबर अगर गिवन है तो उसके टोटल कितने फैक्टर होंगे। 60 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। यहाँ 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो 2 raised to power 2 × 3 × 5। यदि हमें निकालना है 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, या फिर हम कह सकते हैं फैक्टर्स, या फिर हम कह सकते हैं कितने डिविजर्स हैं, तो कितने डिविजर्स हैं हम देखते हैं किस तरह से हम निकालते हैं। जो पावर है, ये जो प्राइम नंबर है 2, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, इनकी पावर जो है उनमें एक एक बढ़ा दीजिए। 2 की पावर 2 है, तो हमने क्या किया 2 + 1। ठीक है, 3 की पावर 1 है, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, दैट इज 1 + 1। 5 की पावर 1 है, उसमें हमने ऐड कर दिया 1, दैट इज 1 + 1। इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 3 × 2 × 2। तो इस तरह हमें मिला 12। तो 60 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो 12 होंगे। हमने ऊपर कितने इसके फैक्टर निकाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फैक्टर हम इसके ऊपर निकाल चुके हैं। और इसके क्या फैक्टर होंगे? 60 खुद इसका फैक्टर है, राइट? 1 इसका फैक्टर है, राइट? ये हो गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 30 इसका फैक्टर होगा, तो 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए हैं? 12। और वो कौन कौन से होंगे वो हम ऊपर बता चुके। हम कोई नंबर कंसिडर करते हैं, जैसे हमने जो नंबर लिया है वो है 8। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 2 × 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3। ठीक है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें अगर निकालने हैं तो हम बोलेंगे
कि जो ये प्राइम नंबर्स हैं, जो हमने इसके प्राइम फैक्टर किए हैं, इसकी जो पावर है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो 8 के टोटल फैक्टर्स होंगे 4। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे वो हम यहाँ पे जरा लिखेंगे। 1 8 का फैक्टर है, 2 भी 8 का फैक्टर है, 4 भी 8 का फैक्टर है और 8 भी 8 का फैक्टर है। तो इस तरह से 8 के जो फैक्टर हैं कितने हैं, ये 4 फैक्टर हैं। अगर इसी तरह किसी भी नंबर के हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसे प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद प्राइम नंबर्स की जो पावर आई है उनमें 1 1 ऐड करके उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर हमें मिलता है वो होता है उस नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। हम कोई नंबर कंसिडर करते हैं जिसे हमारे पास नंबर है 27 raised to power 3 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। इसके यदि हमें निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्राइम फैक्टर। 27 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 27 होता है 3 × 3 × 3, दैट इज 3 raised to power 3, ठीक है। इसी तरह 16 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, इसके अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे वो इसे लिखा जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, दैट इज 2 raised to power 4। 5 एक प्राइम नंबर है, उसको हम एज इट इज रहने देंगे। 27 को लिखेंगे हम 3 raised to power 3 और ऊपर पावर 3 पहले से है तो 3 × 3 9 इंटू 2 raised to power 4 है 16 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8 इंटू 5 raised to power 7। ये था स्टेप फर्स्ट। अब सेकेंड स्टेप में हम डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टर हमने बनाए हैं उनकी पावर्स को एक एक बढ़ा के आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 8 है तो 8 + 1 इंटू 3 की पावर 9 है, ये होगा 9 + 1 इंटू 5 की पावर 7 है, ये होगा 7 + 1 8 + 1 9 9 + 1 10 7 + 1 8, ये हो जाएगा 720। तो जो नंबर हमें गिवन था That is 27 raised to power 3 into 16² × 5 raised to power 7। इसके टोटल फैक्टर्स होंगे 720। यदि हमें निकालना हो कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स निकालने हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ओड फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। 3 raised to power 9, 3 क्या है, एक ओड नंबर है, 5 क्या है, ओड नंबर है, तो यहाँ हम सिर्फ उनकी पावर को 1 से इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 + 1 इंटू 7 + 1, ये होगा 10 × 8। तो जो ओड फैक्टर्स हैं वो होंगे 80। अब इवन फैक्टर्स अगर हमें निकालने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस जितने ओड फैक्टर हैं, दैट इज 720 - 80, ये हमें मिलेगा 640। इस तरह से किसी भी नंबर के हम ओड फैक्टर्स कितने होंगे और इवन फैक्टर्स कितने होंगे ये निकाल सकते हैं। हमने जो ऊपर एग्जाम्पल्स किए हैं हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे 60 के फैक्टर्स बनाए थे, ठीक है, 60 के टोटल फैक्टर्स कितने थे, 12। इसको लिखा गया था 2 raised to power 2 × 3 × 5 की फॉर्म में। तो यहाँ अगर हमें ओड फैक्टर्स बताने हैं तो ओड फैक्टर्स कितने होंगे, ओड जो नंबर है 3 ओड है, 5 ओड है, 3 की पावर कितनी है, 1 है, तो ये होगा 1 + 1 2 इंटू 5 की पावर 1 है, उसे भी 1 से बढ़ा दिया जाएगा इंटू 2, ये हो जाएगा टोटल 4। तो हम देख लेते हैं कि क्या 60 के 4 ही ओड फैक्टर्स हैं। आप ये यहाँ इजीली देख सकते हैं, 1 ओड है,
फाइव ओड है, थ्री ओड है, 15 ओड है, तो टोटल कितने फैक्टर्स ओड हैं 60 के? 4। और इवन अगर निकालने हैं तो क्या कर सकते हैं, इवन फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो वही टोटल फैक्टर्स जितने थे 12 माइनस जितने ओड हैं सबट्रैक्ट कर देंगे, तो बाकी बचे हुए क्या हैं, इवन फैक्टर्स। अब हम सीखेंगे कि जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं उन फैक्टर्स का सम यदि हमसे पूछ लिया जाता है वो सम हम किस तरह से करेंगे। 60 को लिखा जा सकता है 2^2 इंटू 3 इंटू 5। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता सकते हैं हम 3 × 2 × 2 दैट इज 12। यदि सम हमसे पूछते हैं तो सम सभी फैक्टर्स का सम हम निकालेंगे इस तरह। 2^2 है, इसकी हम जीपी बनाएंगे 1 से लेके 2^2 तक, उन सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे। इसी तरह फिर हम एक जीपी बनाएंगे 3 की पावर जो कि 1 से स्टार्ट होके 3^1 तक जाएगी। फिर उसके बाद हम एक जीपी बनाएंगे जो कि 5 के लिए, जो 5^0 दैट इज 1 से लेके 5^1 तक जाएगी। उन सभी को हम ऐड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा 2^0 + 2^1 + 2^2 × 3^0 + 3^1। ये क्या है, एक जीपी है, ये 2 की जीपी है, यहाँ कॉमन रेशियो 2 है। ये जो जीपी है उसमें कॉमन रेशियो 3 है। फिर होगा 5^0 + 5^1। इनको हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा 7। इसे हम ऐड करेंगे 3+1 हमें मिलेगा 4। इसे हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 168। तो हमने जो फैक्टर्स लिखे थे 60 के, 12 फैक्टर्स लिखे थे, उन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 168। इसी तरह से हम इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सभी फैक्टर्स थे उनका प्रोडक्ट हम निकालेंगे, जो नंबर होता है उसकी पावर लेंगे, जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स बने हैं डिवाइडेड बाय 2। ये नंबर क्या है, 60 है। डिविजर कितने बने, 12 बने थे, 12/2, ये हो जाएगा 60^6। यहाँ हमने सम फाइंड आउट किया है सभी फैक्टर्स का, वो इवन हो चाहे ओड हो। यदि हमें निकालना हो सिर्फ और सिर्फ ओड फैक्टर्स का सम तो हम किस तरह से निकालते हैं, तो हम सिर्फ कंसिडर करेंगे ओड फैक्टर्स 3^0 + 3^1 इंटू 5^0 + 5^1। ये हो जाएगा 4 और ये होगा 6, होगा टोटल 24। जितने ओड फैक्टर्स थे उन सभी का सम होगा 24। हम देख भी सकते हैं 60 के ओड फैक्टर्स क्या थे, 1 था, 3 था, 5 था और 15 था। तो इन सब का सम कितना है, 24 है। इस तरह से हमने निकाल लिया कि जो ओड नंबर्स हैं उनका सम किस तरह से आएगा। यदि हमें निकालना हो सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सिर्फ जो इवन फैक्टर्स हैं उनको, उनका सम क्या आएगा, तो टोटल सम जो था दैट इज 168 माइनस जो ओड फैक्टर्स थे उनका सम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, हमें मिल जाएगा 144। तो जो इवन फैक्टर्स हैं उन सभी को यदि हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 144। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।